हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन ये दे रखा है, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स, इसका डोमेन आपको लेना है। तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लैज करता है, माइनस वन से प्लस वन, एंड कॉस इनवर्स एक्स का भी माइनस वन से प्लस वन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वैल्यू जो यहाँ दे रखा है, ये दो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, एक ये इनइक्वालिटी और एक आपको माइनस वन लेस देन इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ये दोनों इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट को अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ ये आ गया आपका एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो, एंड एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन वन कैंसिल हो गया, सो टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो, वे भी करें लगा दीजिए, एक माइनस वन और जीरो, सो ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू रखना है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन एंड जीरो से इन्फिनिटी, लेकिन इसके साथ किसका इंटरसेक्शन होना चाहिए, सेकेंड इनक्वालिटी जो है आपका एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स कैंसिल हो गया, टू हो गया, ये माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। इसको ऐसे कह सकते हैं कि ट्वाइस अपॉन एक्स प्लस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो माइनस वन से इधर पॉजिटिव और इस साइड निगेटिव। अब दोनों का इंटरसेक्शन, ये कह रहा है कि माइनस वन टू इन्फिनिटी, इसका मीनिंग है कि एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, और माइनस वन नहीं ले सकते क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा, सो माइनस वन टू इन्फिनिटी। और यहाँ से इसका मीनिंग था एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव पार्ट माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन ओपन यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी, तो दोनों में कॉमन, क्योंकि माइनस वन से लेफ्ट तो ये कॉमन है ही नहीं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, और ये स्टार्ट हो रहा है माइनस वन से इन्फिनिटी, फिर ये है जीरो टू इन्फिनिटी, तो कॉमन क्या आ जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी। तो कह सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट इनइक्वालिटी जो हुआ, इसमें आ गया आपका एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, अब सेकेंड इनइक्वालिटी अब सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड इनइक्वालिटी, इसका मीनिंग है कि थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो, एंड थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, ये दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू जीरो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका फोर एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स और यहाँ प्लस टू एक्स, तो क्या हो गया प्लस ऑफ थ्री एक्स, यहाँ पॉजिटिव वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा अपॉन, अच्छा यहाँ माइनस टू एक्स होगा, माइनस टू एक्स एंड प्लस एक्स, तो माइनस एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स रहेगा, ये हो गया आपका माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू जीरो, एक्स टेक कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो गया फोर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो एक जीरो एंड वन बाई फोर, जीरो वन बाई फोर, इस पर पहले वेवी कर्व लगा देंगे, सो ये पॉजिटिव निगेटिव
एंड पॉजिटिव अगेन इंसर्ट कर देंगे x इक्वल टू वन, वन यहाँ पे है लेकिन वन नहीं होना चाहिए क्योंकि अनडिफाइंड कर देगा, तो ग्रेटर इक्वल टू जीरो। इसके लिए फर्स्ट पार्ट का जो आपका x बिलोंग्स किया वो आ गया कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन पॉजिटिव पार्ट देखना है वन बाई फोर से इन्फिनिटी, वन बाई फोर से लेकर आपको इन्फिनिटी और इसमें माइनस वन, ये केवल इस पार्ट का आपका एक्स बिलोंग्स कर रहा है। राइट साइड का आप देख लेते हैं, अब आपके पास जो ये है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन माइनस ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व कर देंगे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया टू एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स और ये निगेटिव टू एक्स, फिर यहाँ निगेटिव, तो पॉजिटिव थ्री एक्स माइनस वन और अगेन माइनस वन क्योंकि ये पॉजिटिव और एक ये निगेटिव है, सो माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो, तो इसको लिखेंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एक्स माइनस टू अपॉन दैट मीन्स ये हो गया आपका टू एक्स टेक कॉमन ले लेते हैं तो टू एक्स प्लस वन प्लस वन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो, सो टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, ये आ गया आपका टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो, इसका वे भी कर इसका वे भी कर लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस टू एंड माइनस हाफ, बाद में क्योंकि ये होल स्क्वायर है इसको इंट्रोड्यूस करेंगे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव था निगेटिव कॉमन लिए थे सो दिस वैल्यू विल बी प्लस टू, तो वन बाई टू आ गया, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, हमको कौन सा पार्ट चाहिए निगेटिव पार्ट चाहिए, यहाँ पे वन है वन तो होगा नहीं, निगेटिव पार्ट चाहिए तो x बिलोंग्स टू माइनस टू से लेके माइनस टू क्लोज से लेके हाफ तक, अब इस दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, इस दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे और फिर जीरो टू इन्फिनिटी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो सेकेंड इनक्वालिटी के लिए सेकेंड के लिए हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू जीरो आ रहा है फिर वन बाई फोर से इन्फिनिटी, तो माइनस टू से जीरो तक तो कॉमन आ जाएगा, माइनस टू से कहाँ तक जीरो तक, जीरो इज इंक्लूडिंग यूनियन, फिर ये वन बाई फोर से स्टार्ट है तो वन बाई फोर से लेके हाफ तक, वन बाई फोर से लेके हाफ तक, ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा सेकेंड जो ये इनक्वालिटी है इसका सॉल्यूशन आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू इस सेट में है। तो ये कह रहा है आपका x बिलोंग्स टू माइनस टू टू जीरो यूनियन वन बाई फोर से लेके वन बाई टू तक, अब इस दोनों में आप इंटरसेक्शन देखेंगे क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन x का वही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा जो दोनों में होगा, तो जीरो से इन्फिनिटी तो ये पार्ट तो रहेगा ही नहीं, हाँ एक एक एलिमेंट आ गया जीरो, जीरो इसमें भी क्लोज है एक इसमें भी क्लोज है, सो डोमेन अब लिखते हैं डोमेन इक्वल टू एक जीरो एलिमेंट आ रहा है तो जीरो यूनियन, अब इसमें वन बाई फोर से लेके वन बाई फोर से लेके वन बाई टू तक इंक्लूड है ही, उसके बाद भी है लेकिन उसके बाद इस इंटरवल में है इसमें नहीं है, तो आप वन बाई फोर से लेके वन बाई टू तक करेंगे, सो ये ऑप्शन आ गया आपका थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
ओके थैंक यू।